अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स का फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 लाइट या नेचर ऑफ लाइट टॉपिक है हमारे पास ईकैट एनकैट के हवाले से। और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आते हैं इसके अंदर, क्वेश्चंस के अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आज पूरी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और पहले देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक आपको देखने हैं जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सारे टॉपिक्स मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे। राइट, कार्पसलर थ्योरी के मुताबिक लाइट जो है वो एक पार्टिकल है, ये आपको डिस्कस करनी है फर्स्ट ईयर के लेक्चर के मुताबिक। इसी तरह वेव थ्योरी जो है वो लाइट को शो करता है एज अ वेव, जबकि मैक्सवेल साहब ने बताया कि भाई ना लाइट पार्टिकल है ना वेव है, दोनों एक साथ है। मतलब ये देखने वाले की नज़र पर डिपेंड करता है कि लाइट पार्टिकल है या वेव है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, E=h फ्रीक्वेंसी, जो ये रिलेशन है ये प्लैंक कॉन्स्टेंट थ्योरी से ही अंदर से आया। तो ये चारों थ्योरीज आपको एक दफ़ा पढ़ लेनी है ताकि क्वेश्चन जब हम करें और क्वेश्चन अभी करेंगे तो ताकि आसानी हो क्वेश्चन सॉल्व करना। देन हमारे पास जो और टॉपिक्स हैं वो है हाइजीन प्रिंसिपल, सोर्स ऑफ लाइट से जो भी वेव लेंथ निकल रही होती है उन सबको एक पॉइंट से पास करवाना और पूरा उसका एक्सपेरिमेंट करवाना, वो पूरा हम पढ़ते हैं इसके अंदर हाइजीन प्रिंसिपल और उसके एक्सपेरिमेंट के अंदर। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा, इसी तरीके से न्यूटन रिंग्स, ये भी एक फिनोमेना है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, माइचेस्टर इंटरफेरोमीटर, न्यूटन रिंग्स, इसके पूरी पूरी डेरिवेशन में नहीं जाना है क्योंकि एप्टीट्यूड के अंदर ईकेट एमकेट में हमें डेरिवेशन तो बेकार हो गई सारे, हमें से वो जो फॉर्मूले होते हैं ना कॉन्क्लूजन, बस वो दिमाग के अंदर रखने हैं आपको फॉर्मूले और होता क्या है चीज़। जैसे न्यूटन रिंग क्या होता है, न्यूटन रिंग सिंपल मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट जब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पर पड़ती है तो ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट सर्कल्स रिंग की शक्ल में बनते हैं, वो कहलाते हैं न्यूटन रिंग। इसी तरीके से हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जब लाइट आती है स्लिट से पास होती है, स्लिट वो नैरो टाइप शेप होता है स्लिट का जिससे लाइट पास हो जाती है, लाइट पास होती है और फिर स्क्रीन पर हमें ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस नजर आते हैं। इसी तरह लास्ट जो हमारे पास फिनोमेना है वो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में बहुत फर्क है। डिफ्रैक्शन में हमारे पास लाइट बेंड हो जाती है एक ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद, ये वाला पॉइंट दिमाग में रखना, ऑब्स्टिकल से टकराने के बाद लाइट बेंड हो जाती है। दूसरा है डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे, एक्सरे से हम कैसे क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ये वाला आपको सिर्फ उसका फॉर्मूला देखना है। पोलराइजेशन, ज़्यादातर पोलराइजेशन का फिनोमेना इस्तेमाल हो रहा था हमारी गाड़ी की जो हेडलाइट्स होती हैं, जितनी भी हेडलाइट्स होती हैं जो एक तरफ कन्वर्ट हो सकें पोलराइज हो सकें, वो फिनोमेना इस्तेमाल हो रहा होता है पोलराइजेशन के अंदर। तो ये एक डिटेल्स में नहीं, बस थोड़ा बहुत उसके फॉर्मूले जाके देख लेना, थ्योरी आपके हाथ में होनी चाहिए अगर, क्योंकि थ्योरी अगर नहीं है तो फिर कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की जाने। पहला क्वेश्चन है ईकैट एमकैट एप्टीट्यूड क्वेश्चंस का इस चैप्टर नेचर ऑफ लाइट के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 1, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ, पहले हमें ये पता होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। चैप्टर नंबर 17 में हमने डिस्कस किया था ईकैट एमकैट के कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं सरफेस से मेटल की जब लाइट पड़ती है अल्ट्रावायलेट मेटल की सरफेस पर, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है या मैटर है? इलेक्ट्रॉन तो मैटर है या पार्टिकल है, तो सिंपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना शो करता है कि लाइट जो है वो कंसिस्ट है पार्टिकल्स पे ना कि वेव पे, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, दैट इज पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमारे पास चार ऑप्शन है, एक्स रेज, रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज, अल्फा रेज। अब इनमें से एक्स रे और रेडियो वेव ये सारे के सारे अंदर आती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, और अल्ट्रावायलेट भी हमारे पास मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर आती हैं क्योंकि इसकी रेंज डिफाइंड हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर। सिंपल हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैक्सवेल के मुताबिक लाइट डुअल इन नेचर है, मतलब लाइट एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है समटाइम, एज अ वेव भी बिहेव करती है समटाइम, डिपेंड करता है सामने वाला कैसे देख रहा है। पर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्शन हमारे पास है अल्फा रे, अल्फा बीटा, गामा, ये जितने भी रेज है हमारे पास द
गामा रे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होती है, लेकिन अल्फा रेज हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर थ्री। विच ऑफ द फिनोमेना एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ लाइट, इनमें से कौन सा ऐसा फिनोमेना है? ऑप्शन हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंटरफेरेंस, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन। सिंपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो शो करता है किसको, मैटर को या पार्टिकल को, लाइट एज अ पार्टिकल है। जबकि कॉम्पटन इफेक्ट भी शो करता है लाइट एज अ पार्टिकल है, पेयर प्रोडक्शन भी लाइट एज अ पार्टिकल है, सिर्फ इंटरफेरेंस ऐसा फिनोमेना है जिससे हमें पता चलता है कि लाइट क्या है, एज अ वेव है। ये फिनोमेना शो करता है कि लाइट एक वेव फॉर्म है, लाइट की नेचर वेव है। अगला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस इज, दो आने वाले लगातार ब्राइट फ्रिंजेस या दो आने वाले डार्क फ्रिंजेस के दरमियान जो डिस्टेंस कहलाता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? वेवलेंथ, लेंथ ऑफ स्क्रीन, फ्रिंज स्पेसिंग, डेप्थ ऑफ स्लिट। याद रखें वो कहलाता है फ्रिंज स्पेसिंग, क्योंकि फ्रिंजेस हैं तो फ्रिंजेस के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाता है फ्रिंज स्पेसिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। व्हेनेवर, क्वेश्चन नंबर 5, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ शार्प एज ऑफ एन ऑब्स्टिकल इट्स बेंट टुवर्ड्स ज्योमेट्रिकल शैडो, बेंट हो जाती है जब कभी रे ऑफ लाइट ऑब्स्टिकल की शार्प एज पर पड़ती है, ब्लंट एज पर नहीं, शार्प एज पर, वो फिनोमेना क्या कहलाता है? तो मैंने स्टार्ट होने से पहले ही बताया था कि जब भी कोई भी लाइट ऑब्स्टिकल से उसकी शार्प एज से टकराती है तो हमारे वो फिनोमेना होता है डिफ्रैक्शन का, टकराना और बैंड होना। अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन में बस यही फर्क है कि रिफ्रैक्शन के अंदर लाइट बैंड होती है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, डिफ्रैक्शन में आप कोई सा भी इसके अंदर ऑब्स्टिकल अगर आप लाइट के सामने लेकर आ जाए तो वो बैंड हो जाए, सिंपल डिफ्रैक्शन का ये फर्क है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, इन इंटरफेरेंस द फ्रिंज स्पेसिंग इज ऑफ, इंटरफेरेंस के अंदर फ्रिंज स्पेसिंग की विड्थ क्या होती है? ऑप्शन है डिफरेंट होती है, सबकी सेम होती है, स्मॉलर होती है, लार्जर होती है। देखिए इंटरफेरेंस के अंदर और डिफ्रैक्शन के अंदर, पहले इंटरफेरेंस का बता देते हैं, सवाल हमारे पास सामने है। इन इंटरफेरेंस द फ्रिंज स्पेसिंग हमेशा सेम रहती है सबकी, जितने भी फ्रिंजेस आपके पास बन रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर जब लाइट पड़ती है स्लिट से पास होती है तो सेम फ्रिंजेस स्पेस होते हैं, मगर डिफ्रैक्शन के अंदर सेम नहीं होते। डिफ्रैक्शन ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर हमारे पास फ्रिंजेस जो हैं वो उनकी जो विड्थ होती है फ्रिंज स्पेसिंग वो सेम नहीं होती। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है इंटरफेरेंस है तो यहाँ पर तो सेम होगी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7, इफ 2000 लाइंस पर सेंटीमीटर आर रूल्ड ऑन अ ग्रेटिंग इट्स ग्रेटिंग एलिमेंट इज, अब देखिये ये ग्रेटिंग एलिमेंट का सवाल है, डिफ्रैक्शन के अंदर से आता है और पहले हमें पता होना चाहिए ग्रेटिंग एलिमेंट का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड। अब देखिए लेंथ हमें पता है कितनी है, 1 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना, तो लेंथ 1 सेंटीमीटर और नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड किसके ऊपर होंगी, जाहिर सी बात है स्लिट के ऊपर होंगी। तो यहाँ पर ग्रेटिंग एलिमेंट बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट प्लेस होती है जिससे लाइट गुजर रही होती है, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग हमारे पास 1 सेंटीमीटर यानी मीटर के बराबर होगा एक्सपोनेंट -2 के, टोटल नंबर ऑफ लाइन से 2000 डिवाइड में रख दिया, जब इसको डिवाइड करूंगा मेरे पास आंसर आएगा 5 एक्सपोनेंट -6 मीटर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द कलर इन थिन सो फिल्म आर ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिस्पर्जन। जब आप सोप में कलर देखते हैं ना, सोप का जब झाग बन रहा होता है वो सिंपल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से बन रहा होता है, यानी कि वो बहुत सारे जो कलर्स दिख रहे होते हैं जब आप झाग बनाते हैं साबुन का तो वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ही की वजह से होता है, बेसिकली एक तरह से एप्लीकेशन हो गई इसकी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन न्यूटन रिंग्स द सेंट्रल रिंग इज, अच्छा न्यूटन रिंग के अंदर हमेशा आपको जरा गौर करिएगा जाकर, रिवाइज आप करेंगे यकीनन, ये न्यूटन रिंग के अंदर हमेशा सेंट्रल रिंग जो होती है, सेंटर वाली रिंग जो बन रही होती है ना, सेंटर वाला जो सर्कल होता है वो हमेशा डार्क मिलेगा आपको। ये बात आप नोट करिएगा, आपने इंटर के अंदर डेरिवेशन देखी होगी और आपने ये पॉइंट दिमाग में रखा भी होगा कि हमेशा
न्यूटन रिंग्स में सेंट्रल रिंग क्या मिलेगी? डार्क मिलेगी। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है बी। क्वेश्चन नंबर 10, द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज दैट पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इक्वल टू, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस है दो वेव्स का वो क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव की बात हो रही है तो कंस्ट्रक्टिव में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाथ डिफरेंस का एन लैम्डा। एन कोई भी नंबर हो सकता है और इसी तरह कंटिन्यूसली आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, तो उतनी लिमिट तक पाथ डिफरेंस चलता जाएगा। तो ऑप्शन हमारे पास है ए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ की तादाद बढ़ती जाएगी, पहले लैम्डा होगी, फिर 2 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा, फिर 4 लैम्डा, फिर 5 लैम्डा। ये वाला पॉइंट दिमाग में रखना है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपस में जब मिलते हैं तो एनहांसमेंट वाला इफेक्ट होता है, जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक दूसरे के इफेक्ट हो, दो वेव आपस में डिस्ट्रॉय करती है। यहां पर ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, न्यूटन रिंग्स आर फॉर्म ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन थिन फिल्म इंटरफेरेंस। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। इंटरफेरेंस की वजह से तो हो रही है, लेकिन क्योंकि थिन फिल्म का आप प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस देते हैं जिसके ऊपर से लाइट पास होती है, फिर सर्कल्स दिखते हैं आपको, न्यूटन ने अपना नाम के साथ ही फिनोमेना लगा दिया न्यूटन रिंग्स। तो ऑप्शन डी है करेक्ट, थिन फिल्म इंटरफेरेंस। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन है पास पेपर्स में आए हुए हैं, एनआईटी हो गया, मेडिकल यूनिवर्सिटीज हो गई जितनी, सिवाय एक यूनिवर्सिटी हमारे पास फास्ट के अलावा तकरीबन सब में हमने देखे गए इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना गिव्स द यूज ऑफ कंट्रोल ऑफ एक्स्ट्रा लाइट ऑफ अ कार हेडलाइट। अब देखिए, मैंने बताया पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमेना है जो लाइट को पोलराइज करता है। रात में आप देखते होंगे या दिन में भी, हेडलाइट की जो कार होती है या पीछे की जो हमारी जो लाइटें होती हैं वो कंसंट्रेशन में रहती है, मतलब कन्वर्ट एक ही पाथ में रहती है, पोलराइज रहती है, मतलब बिखरती नहीं है। जब ही तो हमें आसानी से सामने का रास्ता दिख जाता है, क्योंकि अगर बिखरेंगी तो हमें रास्ता नहीं दिखेगा। लाइट मतलब एक डायरेक्शन में नहीं रहेगी ना अगर लाइट, तो हम सही से आगे देख नहीं पाएंगे। इसीलिए पोलराइजेशन ऐसा फिनोमेना है जिससे लाइट पोलराइज रहती है, चाहे वो हेडलाइट हो, चाहे वो बैकलाइट हो, या इनफैक्ट हमारा जो घर का जो बल्ब होते हैं, कुछ ऐसे बल्ब होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में रहते हैं, मतलब पूरे हर तरफ उनकी रोशनी नहीं होती, एक ही कंसंट्रेशन में उनकी डायरेक्शन रहती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आ गया, तो आपको उसका फॉर्मूला याद रखना होगा कि फ्रिंज स्पेसिंग का क्या फॉर्मूला था और पोजिशन फॉर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस कैसे निकालते थे। ये फॉर्मूले आपको जाके देखने पड़ेंगे, और क्योंकि फॉर्मूला बहुत ही छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, डेरिवेशन में जाना ही नहीं है एप्टीट्यूड के अंदर। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर 0.9 मिलीमीटर अपार्ट, डिस्टेंस पता है, डी पता है, दो स्लिट्स आपस में इतने डिस्टेंस की दूरी पर है, एंड लाइट की वेवलेंथ पता है 5.8900 × −7 मीटर इज यूज। अगला पार्ट में, व्हाट इज द सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस। सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस इसका मतलब ये वो फ्रिंज स्पेसिंग निकालने को कह रहा है ऑन अ स्क्रीन 180 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्लिट्स। स्क्रीन जो है स्लिट से 180 सेंटीमीटर दूर है। फॉर्मूला पहले देखते हैं, इसका ऑप्शन हमारे पास चार आ गए हैं ए बी सी डी। फॉर्मूला हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग का डेल एक्स बराबर है लैम्डा एल बाई डी। स्क्रीन से स्लिट्स कितने दूरी पर है? 180 सेंटीमीटर पर। सेंटीमीटर से क्योंकि वेवलेंथ हमें जिस यूनिट में गिवन है, हम पहले उसी यूनिट में सबको कन्वर्ट कर लेंगे। ये वाला बात दिमाग में रखनी है कि पहले सबको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना, उसके बाद ऑप्शन के मुताबिक, जैसे ऑप्शन में हमें आंसर मिलीमीटर में गिवन है, तो पहले आप अपने आंसर को एक एक फ्रेम में ले आएँ, यूनिफॉर्म फ्रेम में, यानी कि मीटर में ले आएँ, देन आप उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दें, यानी मीटर में ला के सबको मीटर में ला के मिलीमीटर में कन्वर्ट करनी, ये आसानी रहती है। 180 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 1.8, वेवलेंथ ऐसी आ गई क्योंकि वो मीटर में थी। अच्छा, अब डी डी जो है हमारे पास है स्लिट्स के दरमियान का डिस्टेंस है, सेपरेट हुए,
0.9 है, मिलीमीटर एक्सपोनेंट माइनस 3 आ गया, मिली का मतलब होता है एक्सपोनेंट माइनस 3। उसके बाद मैंने नंबर्स नंबर्स को डिवाइड किया, सिर्फ आप देख लें 5.89 को मल्टीप्लाई किया 1.8 से, डिवाइड किया 0.9 से, तो मेरे पास आंसर आ गया 11.7। उसके बाद एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल को एक साथ कर दिया, बेसिस सेम है, ऊपर लेके गया मैं 10 की पावर 3 को, और जब 10 की पावर बेसिस सेम है पावर ऐड होंगी, -7 + 3 -4 हो जाएगा। अच्छा -3 एक्सपोनेंट -3 होता है मिलीमीटर, तो इसका मतलब मुझे ये हुआ मुझे सिर्फ एक पावर लेफ्ट साइड पे ढकेलनी है, एक डेसिमल मुझे लेफ्ट साइड में ढकेलना है, तो डेलेक्स बराबर होगा 1.17 मिलीमीटर, क्योंकि एक्सपोनेंट माइनस 3 किसके बराबर होता है मिलीमीटर के, तो ऑटोमेटिकली मैं अपने आंसर को मीटर से मिलीमीटर कन्वर्ट कर गया। और यहाँ पर ऑप्शन है सी, क्वेश्चन नंबर 13 का। ये फॉर्मूला दिमाग में होगा तब आप जाके सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन सारी, मैक्सिमम अगर फॉर्मूला दिमाग में है, कैलकुलेटर हाथ में है, या कैलकुलेटर हाथ में नहीं भी है फिर भी आप इसको सॉल्व बड़ी आसानी के सर्कल से कर सकते हैं बाय यूजिंग राउंड ऑफ डेटा। राउंड ऑफ मैंने बताया था पिछले बहुत सारे लेक्चर में बता चुका हूँ, राउंड ऑफ चीज़ों को करना सीखें ताकि राउंड ऑफ से आप जल्दी से कैलकुलेट में आंसर कर सकते हैं। जैसे इसको 6 कर दें, नीचे वाले को 1 कर दें, इसको 2 कर दें, तो आप तकरीबन आंसर मैक्सिमम जो आंसर है उतना फर्क नहीं पड़ता, आंसर आस पास ही रहता है, तो आपको आस पास वाले ही आंसर मैच करवाना होता है अपने क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरे रिफ्लेक्शन कैन बी ऑब्जर्व बाय रिफ्रैक्शन ग्रेडिंग, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, कन्वेक्स लेंस, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल से हमने जो लाइट पास की थी तो हमें एक्सरे रिफ्रैक्शन का फिनोमेना ऑब्जर्व हुआ था, इसके जरिए हम वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं इसकी, उस क्रिस्टल्स के, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स के। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15। हमारे पास सवाल है, बेसिकली हमारे पास फिनोमेना है वो लाइट का जिस जो प्रूव करे कि लाइट वेव्स आर ट्रांसफर्स है, रिफ्लेक्शन पॉलीमराइजेशन और पॉलराइजेशन। आप देखिए रिफ्लेक्शन का फिनोमेना क्या होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि लाइट जो है किसी भी स्लिट से पास हो जाए, तो सिंपल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना ये होता है। इंटरफेरेंस का मतलब लाइट स्लिट से पास हो जाए और हमें ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिले। डिफ्रैक्शन के अंदर ऑब्स्टिकल से लाइट टकरा के बैंड होती है। पॉलराइजेशन के अंदर वो वाइट फिनोमेना जिससे लाइट शो होती है कि लाइट एज अ वेव काम कर रही है। एग्जाम्पल थी कार हेडलाइट वाली कि लाइट जो है वो पोलराइज लेती है, इधर उधर बिखरती नहीं है, एक ही डायरेक्शन में रहती है, जस्ट लाइक अ लेजर लाइट, वो भी एक पोलराइज लाइट है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है कि ऐसा फिनोमेना जो लाइट को साबित करे कि लाइट क्या है, ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स वेव है, ना कि लॉन्गिट्यूडनल है। ऑप्शन है हमारे पास पोलराइजेशन का, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन।